से आने वाला प्रभु मसीह अति पवित्र नामे सपोत्र लोग रोकी बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु के संगति में आने के लिए मौका मिला और खास करके मानव पवित्र लोग इस रीति में जब इकट्ठा होता है तो हमसे बढ़कर के आनंद प्रभु को होता है। हम लोग ये बहुत बड़ा महासभा है। महासभा क्यों बोलता है? महान व्यक्ति हमारे बीच में, यीशु मसीह हमारे बीच में। महासभा बोलेगा तो बहुत बड़ा झुंड है, ऐसा नहीं। महासभा का अर्थ हमारा महान व्यक्ति हमारे बीच में है, इसलिए वो महासभा है। तो आज भी प्रभु की बड़ी अनुग्रह से हमको ये महासभा में प्रभु ने पहुंचाया है ना। हम लोग कितना धनी लोग, हम लोग जो भी समय मिला है वो समय बिल्कुल हम नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें मतलब प्रभु से कुछ प्राप्त करना है ना, प्रभु में और भी बढ़ना है। आप लोग जरूर बहुत भूख और प्यास के साथ आए और मैं पूरा विश्वास करता हूँ। मतलब हम लोग पहले ऐसा हम लोग प्लान बनाया था बॉम्बे जाएंगे, लेकिन वो आज इधर भी मिलना चाहिए ना, मैं आपको बोलता हूँ पक्का मिलेगा। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु हमें सबसे अच्छा देता है। प्रभु की ओर से जो भी मिलता है सबसे अच्छा मिलता है ना, ये बात सच्ची बात है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, दो शब्द दिया था है ना, कितने लोगों ने उस पर अभी वो गीत गाया आज है ना। अभी प्रभु कहाँ पर खड़ा है? सकरा मार्ग में, प्रभु सकरा मार्ग में खड़ा है। तो कितना सुंदर गीत गाया। तो बोलने का अर्थ क्या है कि अच्छा वो गीत भी इस पे आ जा रहा थी, क्योंकि तो इतना सुंदर गीत है, बहुत अर्थपूर्ण हमारे विषय के साथ एकदम मिला जुला वो गीत है ना। तो प्रियो यीशु मसीह ने हमें प्रभु के पीछे आने के लिए बुलाया। प्रभु के पीछे आने के लिए बुलाया वो मार्ग कौन सा है ये हमें जानना चाहिए। मतलब कौन से मार्ग में प्रभु ने हमको आने के लिए बोला, वो मार्ग का खूबी हम लोग देखता है। हम वापस पढ़ेंगे उस वचन को, मतलब लूका उसका 13 अध्याय 24 सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। देखा, बहुत से प्रवेश करना चाहेगा परंतु ना कर सकेगा। इसका कारण क्या होगा है? उसका कारण क्या होगा? उसके आगे पढ़िए। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो, तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे नाम से खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया, परंतु वह कहेगा मतलब क्या है कि उन लोग प्रभु से सच में दिल से मिला हुआ जीवन बिताता नहीं था। प्रभु कहाँ देखता है? दिल को देखता है। यदि हमारा दिल प्रभु के साथ अगर मिला हुआ नहीं है तो हमें कभी भी प्रभु नहीं जानेगा, वो बात का गवाही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है ना, प्रभु बार बार कहने वाले एक बात है, लोग कई भक्ति करता है परंतु दिल से नहीं करता। जब हमारा मत्ती 15:8-9 वचन, मत्ती 15:8-9 ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। देखा, ये लोग होठों से मेरा आदर करता है पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। देखा, उनका मन मुझसे दूर है, बस वो तो हो गया है, उनका मन मुझसे दूर है। प्रयोग सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जो भी प्रभु का भक्ति करता है वो बिल्कुल मन से होना चाहिए, मतलब पूरा हृदय से होना चाहिए, नहीं तो वो भक्ति का कुछ भी मानव महत्व नहीं प्रभु की दृष्टि में, उसका कोई स्थान नहीं। अभी यहाँ पर हमको इस मार्ग में चलने के लिए कई कुछ बात आएगा। ये मार्ग में चलने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है। प्रभु वचन कहता है कि तुम उस सकेत मार्ग में प्रवेश करने के लिए यत्न करो, बोलेगा तो लड़ो ना, लड़ाई लड़ो, एक बड़ा लड़ाई लड़ना पड़ता है। वही बात मानव मत्ती में हम लोगों ने देखा था, उसका 7 अध्याय का, ये जो लड़ाई नहीं चाहता वो क्या करता मालूम है? तुरंत विशाल मार्ग में चले जाता। ये एक बड़ा बात है, विशाल मार्ग में निकल जाता हूं। प्रभु के लोग प्रभु में आने के बाद में उनको मतलब कभी कभी ये जो लड़ने वाला बात आता है तब वो सोचता है कि
तो ये लड़ाई बिना भी जाता है तो ये भी विश्वासी लोग है, ये भी विश्वासी लोग है। उधर चिन्नी चमत्कार भी है, है? बड़ा मतलब मेला जैसा है, है? वो भी स्वर्ग जा रहे हैं ना। चलो अभी हम लोग वो मार्ग को ले लेंगे। देखा मतलब विश्वास में आने के बाद में भी एक बड़ा झुंड लोग वो विशाल मार्ग सुनेगा। अभी ये यहां पर जो बोला हुआ ये जो विशाल मार्ग है ये गुलाट पाया हुआ लोगों का सामने रहेगा वो बातें, एक खास करके ये दुनिया के लोगों के प्रति नहीं, ये विश्वास में आया हुआ लोगों का बातें। इस पर आज बहुत आप लोग बहुत ध्यान देना, मैंने ये थोड़ा सा गहर बात है, ये बात को हमें समझने के लिए स्वर्गीय ज्ञान चाहिए बका, उसको प्राप्त करते बिना, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा थक जाता है तो हम आराम चाहता है, थोड़ा मतलब आसानी मार्ग। उस समय में मतलब हमारे पास ऐसा एजेंट आएगा आसानी मार्ग में हम मतलब जाएगा तो भी जल्दी, क्योंकि उधार हुआ ना, अभी तो नरक तो नहीं जाएगा, बाकी बाकी बात कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। मतलब इस रीति में हमें धोखा देगा, परंतु प्रभु में आने के बाद प्रियो में एक बात आपको बताओ, स्वर्ग में जाने के बाद है ना सब लोग इतना रोएगा, अरे मेरा भी जीवन में कितना अवसर मिला था, प्रभु ने मुझे समझाया था लेकिन मैंने वो बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, मैंने बहुत बातों को लापरवाही किया, नहीं तो मैं कितना बड़े बड़े बातों का भी अधिकारी बन जाता, मैं कितना बड़े बड़े बात, और वो अनंत काल की बात है, अनंत काल की बात है। इसका एक सच्चा पहचान हमें होना जरूरी बात है, ये अगर ये बात में अगर हमें सही प्रकार का ज्ञान नहीं आया, क्योंकि मसीह में आने के बाद में बहुत लोगों का विचार क्या है, मसीह में आने के बाद भी कोई दुख संगत नहीं, कोई कष्ट नहीं, ऐसे ही क्या? नहीं नहीं भैया, यीशु मसीह की खातिर ये दुनिया हमको कभी भी चाहेगा नहीं। कोई मसीह के सुसमाचार में एक और वचन पढ़ना, उसका 19:24 मत्ती उसका 19:24 तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अभी देखा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, यहाँ पर बोलता है कि एक एक धनवान व्यक्ति का मतलब क्या, धनवान स्वर्ग नहीं जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं प्रियो, धनवान जाएगा, लेकिन विषय क्या है, जो धन को अपना ईश्वर बनाया, धन को अपना स्वामी बनाया, धन के कारण प्रभु को छोड़ देता। अभी वो एक धनवान व्यक्ति आया था, प्रभु ने उसको प्रेम किया, उसको समझाया, लेकिन वो निराश होकर चला गया। देखा अभी उसको अच्छा मौका था और प्रभु ने उसको समझाया स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा, लेकिन वो स्वर्ग का बड़ा धन के बारे में प्रभु ने बताया उसको समझा नहीं, वो समझा नहीं। आज भी ऐसा बात है, कई बात है लोग समझता नहीं। मैं आपको बोलता हूँ आज एक क्लास में बहुत कुछ बातों के बारे में एक अच्छा समझ लेकर चलना है, ये बहुत गौरी बात है, बहुत गौरव का बात है। हम लोग मतलब एक ऊंट को अभी वो आप लोग जो सोचता है वो उसी अर्थ में लेगा तो भी असंभव है, पर वो अर्थ में अर्थ नहीं है, है? क्योंकि वहां पर मतलब जैसे अभी 6 बजे के बाद में मेन गेट बंद कर देता, फिर एक छोटा गेट था उसको सुई का गेट बोलता था, फिर जो बाहर बिजनेस के लिए गए वो लोग जब ऊंट लेकर के आता है तो उनको ये सिर्फ आदमी जाने के लिए, आदमी जाने वाला वो कार में ऊंट नहीं जाएगा, फिर ऊंट को क्या करता, उधर ही बैठा था बोरी वगैरह डाल करके या बड़े बड़े कपड़े डाल के, फिर वो ऊपर से भी दबाता नीचे से खींचता, कभी कभी चमड़ा भी निकल जाता, बड़ा मुश्किल से कभी कभी अंदर आता, नहीं तो फिर वो अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मतलब ला पाता, मतलब लाना बड़ा कठिन है, आता ही नहीं, कभी कभी फंस जाता, ऐसे बात है। तो मतलब इतना मतलब हार्ड है जो जिस व्यक्ति को वास्तव में थोड़ा भी लालच रहेगा तो प्रभु के लोगों में ऐसा लालच में कभी नहीं गिरना, बहुत भयंकर बात है। हम लोगों को प्रभु ने दुनिया दुनिया की बातें मिट जाने वाला है ना, उस पर भरोसा करना या उस पर हमारा लक्ष्य लगाना ये बहुत बड़ा धोखा है। इसमें हमको प्रभु में प्रभु के पीछे चलने के समय में हमारे जीवन का अनुभव के बारे में पाम कुछ बात याद हो लुका में दिया है, मतलब उसका 21 अध्याय
उसका 12 से 19 तक मुझे पढ़ना लूका मतलब मसीह जो सकेत मार्ग में होकर के चलने वाले लोगों के जीवन में आने वाला कुछ अनुभव वहां पर वर्णन किया है लूका 21 अध्याय उसका 12 से 19। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृहों में डलवाएंगे और राजा और हकीमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता या भाई और कुटुम्ब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुमसे कुछ को मरवा डालेंगे मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। ओ, आप लोगों को हमारा कैसे लगता है वजन पढ़ने के टाइम पर? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ सच्चा भक्तों का जीवन का अनुभव का एक छोटा भाग है, एक छोटा भाग यहां पर बताया है। अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण ही सतावट शुरू हो जाएगा। आपका जीवन में हुआ क्या है? कई लोगों के जीवन में ऐसा कुछ अनुभव नहीं आया होगा, क्योंकि वो आपको मालूम है कोई भी व्यक्ति क्रिस्ती कुटुंब से जन्म लिया है तो भी आपके जीवन में आएगा ऐसा अनुभव। कब आएगा मालूम है? आप सचमुच में प्रभु का वजन के आधार में जीवन बिताना शुरू करेगा तो है, क्योंकि ये वजन जब उसके साथ दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय का 12 वचन पढ़ना, दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय का 12 वचन। आप मुझे बताओ सुभक्ति के जीवन, एक सच्चा भक्ति के जीवन, वे सब उसमें से एक आधा बच जाएगा ऐसा है क्या? नहीं। इसका मतलब अभी तक सुभक्ति के जीवन में बिताता है कि नहीं, अपने आप को पूछो। मैं आप किसी को भी ऊपर न्याय नहीं करता भाई, लेकिन आप सोचो एक सच्चा भक्त बनकर के जब जीवन बिताने रहेगा तो लोग क्या बोलेगा? ये पागल हो गया, क्यों हमेशा प्रभु 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 बोलते थे, हमेशा बाइबल लेकर भागता, घर के काम नहीं देखता, ये नहीं करता वो नहीं करता, देखा? क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य यीशु मसीह, प्रभु की इच्छा में बना रहना, प्रभु के लिए वो एकदम मतलब पागल हो गया। देखो सही बात है ना, कई लोग बोलते हैं प्रभु के आने के बाद उसका स्क्रू ढीला हो गया। सही बात है ना, प्रभु ने खोल दिया, पहले बंद था अभी खोल दिया प्रभु ने, बुद्धि खोल दिया, दिल खोल दिया, हर जगह पर बल्ब ढीला कर दिया, तभी तो हम प्रभु को जान पाया। ऐसे कोई बोल दिया बोल करके भी हमने अरज नहीं होना है, इतने बड़ी बात है। अब ये सबसे बड़ी बात क्या है आप लोग, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के नाम के कारण वहां एक शब्द वहां पर पढ़ा ना आपने 17 वचन, मतलब 21 का 17 लूका, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। देखो सब लोग बैर भी करेगा, आप मुझे बताओ सब लोग बैर करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह में है, मसीह के संदेश दे रहा है, समाचार दे रहा है, फिर भी क्यों क्रिस्ती लोग होते हुए क्रिस्ती धर्म के लोग क्यों हमें नफरत करता? क्योंकि वो प्रभु में नहीं है एक्चुअली, उसको प्रभु कौन है मालूम नहीं, उसको ये उद्धार का अनुभव नहीं, उन्होंने प्रभु को पाया नहीं। आज एक्चुअली क्या है रहा? आज अधिकतर लोग ये विशाल मार्ग में है, क्यों विशाल मार्ग चाहता है? क्योंकि मेरे बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलना भाई, चाहे तो तुम्हारा त्योहार में हमारे हिसाब दे देंगे भाई, ले चंदा ले चुपचाप ले, हमको तुम्हारे बीच में रहना है। देखा वो मतलब प्रभु का भक्त बोलेगा और तो लोगों को भी खुश करेगा,
संभव है क्या? नहीं। अगर हम सच्चाई बोलेगा तो, सच्चाई बोलेगा तो बाहर करेगा, सच्चाई बोलेगा तो हमको कैसे भी तकलीफ देने के लिए इंतजार में रहेगा, मौका मिलने पर हमको भयंकर रीति में सताएगा। देखा, आप देखो प्रियो, ये प्रभु का वचन कभी भी बदलता नहीं। प्रभु के वचन की सच्चाई में चलेगा तो हमें कितना प्रकार के बातों को सामना करना पड़ेगा। देखिए प्रभु ने वहां पर बोला, तुम्हारा एक बाल का नुकसान नहीं होगा। क्या बात है, क्या वायदा है, क्या वायदा है। अगर आप सच्चाई पर चलने के द्वारा आपका एक बाल का, अभी बाल को नुकसान हो गया तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं पड़ता, तकलीफ ना लेने वाले बाल को भी नुकसान नहीं होने देगा बोलेगा तो फिर कितना बड़ा ख्याल है। आप मुझे बताओ, और कौन कह रहा? प्रभु ने बोला, ये कोई ऐसे कोई झूठ मूठ का बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, सच्ची बात है प्रियो। आप कभी भी अपने जीवन में, आप प्रभु में बुलाहट पाने के बाद अपने जीवन में आने वाला कोई भी प्रकार का प्रतिकूल को, कष्ट नष्ट को, ये कभी भी दुनिया के रीति में हिसाब नहीं करना। प्रभु में आने के बाद है ना स्वर्ग का कैलकुलेशन सीखना। आज भी बहुत लोगों ने दुनिया का कैलकुलेशन मालूम है पर स्वर्ग का कैलकुलेशन नहीं माना, इसलिए लोग धोखा खाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आज मैं कौन सा मार्ग में चलता है। मैं कई बार आपको बताया, प्रेरित पौलुस को एक दिन अगर दो मार्ग नहीं मिला तो उसको क्या लगता है, और लोग उसको अगर एक दिन नहीं भगाया, नहीं कुछ गाड़ी क्लोज किया या नहीं कुछ थप्पड़ मारा तो उनको क्या लगता, आज मैंने शायद विशाल मार्ग में कई महीना कदम फिसल गया। ऐसा और होता, क्योंकि रोज प्रभु के कारण सतावट खाने वाला एक अनुभव था उनका, क्योंकि वो एक सच्चा भक्त था। देखा है, सच्चा भक्तों को उधर पड़ेगा, उधर पड़ता है कि नहीं है प्रियो, इतना उधर पड़ता ना जिंदगी का। अभी आपको मालूम है, पहले कुरिंद मंडली को जब वो पत्र लिखता है उस समय में, दूसरे कुरिंद में आपको सबको मालूम है उसका 11 अध्याय का 23 से 28 तक का वचनों में, मतलब प्रेरित पौलुस के जीवन में मसीह में होने के कारण, एक सुभक्ति के जीवन बिताने के कारण आया हुआ थोड़ा कष्टों का एक छोटा लिस्ट दिया है। आप पढ़िए, क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उससे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार पैर होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदी के हाथ से 39 कोड़े खाए। देखा, 5 बार है। अभी आपको मालूम है इसको, मालूम 195 कोड़े खाया हुआ व्यक्ति के शरीर का अवस्था क्या रहेगा, आप लोग समझ सकता है? आप लोग समझ सकता है? और आगे, 3 बार मैंने बेते खाए, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाँ जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए, और 1 रात दिन में समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्रियों में, नदियों के जोखिम में, डाकियों के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, छोट भाइयों के बीच जोखिम में रहा, परिश्रम और कष्ट मेरे परिश्रम और कष्ट बार बार जागते रहते थे, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, चाड़े में, उघाड़े में, और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती थी। बस बस देखो, अभी आप सोचते हो अब लोग कहना वो भागोंगो, थोड़ा धीरे बढ़ना। प्रभु के दास मारे प्रभु में होकर के एक सच्चा सुभक्ति का जीवन बिताया, इसलिए ये मानव प्रभु के दास का एकदम जीवन के आखिरी में नहीं लिखा, ये करीब 60 में लिखा है। इसका मतलब करीब प्रभु के दास का जो मृत्यु हुआ करीब 67 में, मतलब 7 साल पहले की बात है। इसके बाद का जीवन में और भी भयंकर बात हुआ, उसका कुछ भी हमको मतलब ये नहीं मिला। आप थोड़ा सोचो, मतलब क्या है कि इतना भारी संकट में है प्रभु दास जीवन बिताया है। आप देख बताओ अपने जीवन में प्रियो, मसीह जीवन का सच्चा अर्थ जानना, मसीह जीवन का सच्चा अर्थ जानना। अभी यहां पर प्रभु मसीह हमें जीवन के मार्ग में चलने के लिए बुलाया, और तुम्हें अभी भी वो जीवन का मार्ग में है क्या, या वो विशाल मार्ग में जिसे हमें नुकसान पहुंच जाता,
कोई बात को जब यौवना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 18 से 20 तक वचन पढ़ना। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है, मैं स्वामी होकर के मुझे दुनिया ने सताया तो तुम मेरे चेला होकर के तुझे सतावट नहीं होगा, होगा ना, गारंटी से। अब आप थोड़ा अपने जीवन को घर में जाकर थोड़ा परखना, मैं मसीह में आने के बाद कितना सतावट खाया क्या नहीं खाया ना, आपने अभी तक का ओरिजिनल मसीह जीवन का स्वाद चखा नहीं। क्लियर बात, आपको कोई इसको बुरा नहीं लेना, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ ये वजन में लिखा हुआ हर एक बात आते हैं। और मैं प्रियो, मैं आपको बोलता ना, मेरे जीवन में मैं आग में होगा, मेरे जीवन में सतावट इतना सतावट से होकर मेरे जीवन में है मसीह की खातिर। मैंने कोई दुनिया के लिए कोई गलत काम करके नहीं, सच्चाई के लिए। मैंने आपको बोला, मैं जब प्रभु में आया सबसे बड़ा परीक्षा मेरे को धन का परीक्षा था, धन की लालच में मुझे मैंने शैतान फंसाने के लिए कोशिश किया। देखिए मैंने उस धन को, मैंने उसको तुरंत बोला, राजू ये अपने पास रखो। देखो उस समय में लाखों रुपया बोलेगा तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, उसी समय में बोला यीशु मसीह ने मुझे खरीदा, आप मुझे नहीं खरीद सकते। देखा प्रियो, इसके बाद में आया वो संकट बहुत भयंकर था, इतना फिर को फील्ड फायरिंग में भेजा, फील्ड फायरिंग ये भी हमको मालूम नहीं, क्योंकि हम कोर के लोगों को ऐसे बातों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन यहां पर भी भेजा, वहां पर प्रभु का महिमा हुआ, वहां पर भी जाकर हम सुसमाचार सुनाया, लेकिन उनके तरफ से बहुत तकलीफ दिया और बहुत शारीरिक रीति में बहुत कष्ट तकलीफ को उठाना पड़ा, क्योंकि स्वच्छ आश्रम में जाकर के उस पर्व के अंदर रहना बोलेगा तो तकलीफ है कि नहीं है। आप लोग कभी गृह आश्रम में गया है? देखो एक हफ्ता मेरे को ऐसा जगह पर भेज करके मेरे को बहुत तकलीफ दिया, मेरे पास सही प्रकार बोलेगा तो उधर रहने लायक है, मेरे पास कोट कूट भी नहीं, उन लोगों ने सब दिया जो भी है, तकलीफ देना। इसके बाद में कितनी प्रकार का तकलीफ, मैंने आप लोगों को कई बार बोला टीडी, आर्मी में टीडी बोलेगा तो बहुत बड़ा पनिशमेंट है, मतलब 4-5 महीने ऐसे घुमाते रहा, लेकिन कोई तकलीफ मेरे को नहीं लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु साथ था। जब आग में शत्रुघ्न में से कवच में गया, वो आग का थोड़ा भी उसको असर हुआ, एक बार तक सात बट्टी बढ़ाया था आग। नेबुकदनेस्सर ने सोचा ये सात बट्टी बढ़ाया हुआ ये आग में हो जाएगा तो पास जाने से पहले मर जाएगा, पर उनको ये नहीं मालूम, वो डालने के लिए गया उनको आग खा लिया, पर तो ये लोग उधरी आनंद के साथ उनका चेहरा चमक रहा था। एक्चुअली कष्टों में भक्तों का चेहरा क्या होगा, कष्ट आने के टेबर मतलब दर्पण में देख रहेगा, चमक रहा है कि नहीं, हाँ चमकेगा प्रियो, उसका चमकाए कि नहीं है ना, कैसे चमकेगा, हाँ प्रेरितों 6:15 में लिखा है स्वर्गदूत का चेहरा जैसा चमका है। देखो स्वर्गदूत का चेहरा जैसा है, अनुकूल परिस्थिति में हंसना बहुत आसानी है, प्रतिकूल में हंसेगी क्या है, प्रतिकूल में हंसेंगे, प्रतिकूल में भी हंसना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी प्रभु साथ रहता ना, प्रभु आपको प्रतिकूल के समय में छोड़ कर जाता है क्या, नहीं है ना, प्रभु में और भी आनंद मनाने के टाइम में हो। लेकिन बहुत लोगों को ऐसे अवस्था में आनंदित होना नहीं सीखा है, सीखना चाहिए प्रियो, वृद्धि गृह में बहुत तकलीफ में रहने के समय में भी प्रभु के दास बार बार बोलता है तुम प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो, है ना, वो आनंद में होकर के लिख रहा है, वो निराश में होकर के नहीं, मैं इतनी बहुत तकलीफ में है, मैं वृद्धि गृह में तुमको मालूम है ना, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बहुत संकट में, ऐसा बोला नहीं, नहीं नहीं, वो प्रभु में है, वो बहुत आनंदित है प्रभु के खातिर में, इस मतलब वृद्धि गृह में
प्रभु की खातिर में ही कष्ट में है, तो फिर वहां पर निराश होने का बात नहीं, दुखी होने का बात नहीं। प्रियो अपनी समझ की सहारा लेने के टाइम पर बहुत बड़ा गड़बड़ी होता है, परंतु जब हम प्रभु का वचनों पर भरोसा करता है तो प्रभु की आत्मा का अगुवाई लेता है तो हमें कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा, और ऐसा कष्टों में तकलीफ में सब हमारा आनंद बढ़ेगा। आज प्रभु के लिए तकलीफ कितने लोगों ने सहा, सच्चा भक्ति के कारण कहीं भी जाता है ना वहां पर सब विरोध बहुत, नासिकी में आने के बाद में विरोध कम हुआ क्या, इतनी लोग विरोध किया, क्या क्या बातें हुआ प्रियो। मैं आपको बताता हूं, एक सच्चा भक्त के जीवन में हमेशा तकलीफ आएगा, वो तकलीफ जीवन भर रहेगा। आखिर में प्रेषित पौलुस कैसे गया, और सब लोग गीत गा रहा था वो समय में चला गया, ऐसा ही क्या नहीं है ना, गला काटा गला काटा है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का चेलों में कोई भी बदमाश था क्या, नहीं है ना। प्रभु के चेलों कितना अच्छा यीशु मसीह को प्रकट करते हुए जीवन बिताया, वो लोगों को सबको ये दुनिया ने क्या दिया, आप सोचो थोड़ा, यीशु मसीह को क्या मिला, यीशु मसीह के चेलों को क्या मिला, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो साधारण मृत्यु सगा, वो योहन्ना है, एक्चुअली वो साधारण मृत्यु नहीं था, उससे पहले उसको उबला हुआ तेल में डाला, उसके बाद में उसको आरी से काटा, जितना काटता था वो ज्वाइन होता था, वो काटने वाला बोला राजा हम परेशान हो गए, वो कभी मरेगा नहीं बोला, इसलिए बोला उसको मारो पद्मोस में भेजो। देखा प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि अपने जीवन में जो भी प्रभु में बुराट पाया है, तो ये भजन आज पता नहीं आज मन लोग कैसे सिखाते हैं मुझे नहीं मालूम है, मैंने बहुत बार बताया वो बातें, लेकिन इस आज मैं आपको थोड़ा और गहराई में बताना, प्रभु मैंने को बताया है कि वो मैं ऐसे बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये सब क्यों नहीं है आपको मालूम है। अभी तक बहुत लोगों ने बाइबल को बहुत बार पढ़ा, बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान है, पर ये ज्ञान आत्मा में अगर आपके दिल में प्रकाशित नहीं हुआ, ये ज्ञान क्या करेगा मालूम है, ये ज्ञान आपको भुलाएगा। जब पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का पहला वचन का 20 पाठ में लिखा है, ज्ञान भुलाता है, है? ज्ञान भुलाता है। प्रियो बहुत लोग सोचता है कि हमको भजन मालूम, क्या ये एक मात्र भजन जानने वाला है क्या, अरे हमने कब बोला भाई, ये सब आप ही बोल रहे थे, हमने कभी बोला क्या सर मुझको ये भजन आता है, नहीं प्रियो, और ये भजन का सच्चाई तो जानो ना, आपने अभी तक आप इतना बड़ा तीर मार रहा है, आप बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है, और जो आपके जीवन में उस घाटों की राहों पर चला हुआ मार अनुभव है क्या, आप कभी भी एक सच्चा मसीह जीवन बिताया क्या, आप एक भक्त बनकर के जीवन बिताया क्या है प्रियो, कोई भी कष्ट हमको नहीं मिटा देता, वो हमें और भी मूल्यवान बनाता है, और भी प्रभु का ज्ञान में हमको बढ़ाता, और भी हमें मसीह के रूप बनाता है, हमें प्रभु के लिए और भी उपयोगी बनाता, कोई भी कष्ट हमें बिगाड़ता नहीं, बहुत बड़ी बात क्या है ना। अभी आज जरूर ये वचन सुनने वाले लोगों में इस जीवन में मसीह जीवन का सच्चा प्रकाश आप लोग बराबर पाना मेरा उद्देश्य वो है। इसमें एक कुछ बात में खास आज आपको उठाकर कहना चाहता हूं, क्योंकि आज भी ये जो वजन का सही प्रकाश हमें आत्मा में प्राप्त करना मिले, आज हम कितनी प्रकार लोगों को बोलता है, ऐसा हमारा क्लास नॉर्मल डिग्री में नहीं मिलेगा, परंतु ऐसे समय में भी लोगों को इसके लिए कितना उत्साह है। अभी आप एक वजन पढ़ना, ये जो ये दो का कहने का कारण क्या आपको मालूम है, नहीं तो और बात हमें अच्छा क्यों लगता है मालूम है, जब फिलिपियों का पत्र उसका 3:8 वजन बहुत सोना सा वजन है, चाहे तो आप उसको बहुत अच्छी रीति में अंडरलाइन करो, बस 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 देखो आप लोगों को वो वजन। एक बात मैं आपको बताऊ, आज प्रभु दास ने शुरुआत में बोला है ना, प्रभु यीशु मसीह को जानना ही आनंद जीवन है, ये वरना 17:3 में लिखा है। मैं आपको बताऊ प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण है, मतलब ये जो ज्ञान है जो ना, ये ज्ञान को मतलब
एक्चुअली मैंने मलयालम में थोड़ा और भी डीप नहीं लिखा, परिज्ञान लिखा है। परिज्ञान आप लोगों को समझेगा, परिज्ञान है। परिज्ञान का दो अर्थ है, एक परिचय का ज्ञान। परिचय का ज्ञान को क्या बोलेगा आप लोग हिंदी में, परिचय का ज्ञान मतलब हमारा कामों में मिला हुआ ज्ञान, परिचय करके उस पे चलते हुए मिला हुआ ज्ञान को क्या बोलेगा, अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान है तो अनुभव, करेक्ट, अनुभव ज्ञान। एक अनुभव ज्ञान है और एक पवित्र का ज्ञान है, पवित्र के बारे में ज्ञान मतलब यीशु मसीह का ज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान। उसको अभी वो दोनों का मतलब यूज करने वाला, उपयोग करने वाला शब्द मतलब परिज्ञान, ऐसे एक शब्द है। मतलब आप अनुभव का ज्ञान बोला, करेक्ट बोला, एकदम डीप बात है, अनुभव का ज्ञान है। अभी उस अनुभव का ज्ञान से भी बहुत बड़ा बात है यीशु मसीह का ज्ञान। अभी यहां पर ओ प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का ज्ञान को प्राप्त किया। यीशु मसीह का ज्ञान को एक प्रकार बोलेगा तो अनुभव में मतलब प्राप्त किया। ये दोनों मिलाकर के भी इस विषय के लिए सोचेगा तो बहुत अच्छी बात है। जब आप प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त करेगा तो प्रियो ये दुनिया में आप प्रभु को छोड़ करके और कुछ भी नहीं चाहिएगा। आप देखो आपको आज भी एक बहुत बड़ा एक धोखा, अभी भी हमें मसीह का ज्ञान मतलब हम जैसा प्राप्त करना चाहिए प्राप्त नहीं किया, नहीं किया। प्रियो मैं इसलिए आपको बताता हूं, जो भी उद्धार पाए वो लोग स्वर्ग में जब पहुंचेगा उस समय में ये जो ज्ञान का कमी का बात को सोच करके रोएगा, क्या फायदा। पर जो प्रभु में बुलाक पाया हुआ लोगों को प्रभु हमेशा ये ज्ञान देता है, कोई भी काल में, कोई भी काल में। और ये बात भी अभी आपको मालूम है, मसीह जीवन एक्चुअली रोज एक चुनौती है, मैं मेरे लिए जियो या प्रभु के लिए, ये रोज हमारे जीवन में चुनौती आता है। तो इस चुनौती में मैं क्या चुनता है, और मैं मेरे लिए जीना है तो मैं विशाल मार्ग जाएगा, मसीह के लिए जीने के समय में मैं वो सकरा मार्ग ढूंढेगा, इसमें इतना फर्क है। आज अगर आप मानो इसके लिए जी रहा है, इसके लिए काम कर रहा है ना, कई बार लोग बोलते ना मैं ये मेरा पत्नी और बच्चों के लिए जिया, इसके बाद उसका मार्ग कौन सा था, विशाल। और तुम्हें प्रभु के लिए जिया करके कितने लोग गवाही देगा, कई लोगों के जीवन क्या है अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, नहीं तो पति और बच्चों के लिए। ऐसा जीवन से जीने वाला वो व्यक्ति कभी भी वो जीवन का मार्ग में चल करके कुछ भी मतलब प्रभु को प्राप्त ही नहीं किया, प्रभु का ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया। और आपको मालूम है एक व्यक्ति के साथ कितना अधिक रहेगा उतना अधिक ज्ञान बढ़ेगा वो व्यक्ति के बारे में। इसका मतलब जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ ज्यादा रहता है उसको यीशु मसीह का ज्यादा ज्ञान मिलता है ना। कई लोग साथ में रहने के दिनों में धीरे धीरे मर मरते, अच्छा बाप रे आप इतना भाई करता क्या, ये पहले मालूम होता तो मैं शादी नहीं करता था। देखा कुछ दिन साथ में रहा मालूम पड़ा कुछ बात, देखो है प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा तो व्यक्ति कभी भी एक क्षण भी प्रभु यीशु मसीह से दूर होना नहीं चाहेगा। आप मुझे बताओ आपके जीवन में आप जितना समय प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के समय में आपका अनुभव क्या था, कैसा अनुभव था, स्वर्गीय आनंद से भर जाता था ना, कितना शांति का अनुभव हुआ, कितना बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। प्रियो वो अनुभव अगर आपने शरीर में चखा है तो हमेशा वो अनुभव में रहना क्यों नहीं चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में इस जीवन में रहने के समय में मसीह में बुलाहट पाने के बाद में मुझे प्रभु ने चुना है और मुझे प्रभु के लिए चुना है, मैं प्रभु के लिए चुनाया हुआ है। तो मैं जान करके मैं प्रभु के लिए जीवन अगर नहीं बिताता, इसका मतलब मैं बोलने का आप दूसरा कोई काम नहीं करना, ऐसा नहीं, मैंने ये बात बहुत अच्छी रीति में आपको समझाया है। आप जो कुछ भी करता है जो प्रभु के लिए करता है उस रीति में करना, आपको कोई काम आपके ड्यूटी करने में कोई मतलब गलती नहीं।
परंतु वहां पर भी आपका काम जो प्रभु के लिए है वही सब रची। प्रेज द लॉर्ड, लोग गवाही देगा वो पक्का एक क्रिस्ती व्यक्ति है भाई। देखो बाकी लोगों से एकदम अलग है, ये बात का एक गवाही आपके जीवन में होना चाहिए, वहां में प्रभु का महिमा होगा ही, महिमा होगा ना। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, आपका गवाही को तोड़ने के लिए कई प्रकार शैतान कोशिश करेगा वो बताने के, लेकिन हमारे जीवन में हमें आज प्रभु यीशु मसीह के उस ज्ञान की उत्तमता के कारण बाकी सारे बातों को मैं कूड़ा कचरा जान पाया क्या? नहीं जान पाया तो अभी तक हमारा मसीह के ज्ञान में हमने बढ़ा नहीं, ज्ञान में नहीं बढ़ा। दुनिया में रहने के समय में जो भी मानव समय में जो पवित्र लोग थे उनको मसीह का प्रकाश मिलते रहा, इसलिए वो दुनिया से अलग रहा, वो और लोगों के जैसा जीवन नहीं बिताया। अभी आपको मालूम है मोशा कितना महान व्यक्ति था, है ना? मोशे को मिस्रीम का सारा ज्ञान था, वो ज्ञान लेकर के एक बार थोड़ा कोशिश किया था, मिस्रीम का सारा ज्ञान पाया व्यक्ति था मोशा, है ना? वो ज्ञान लेकर के इसने लोगों को थोड़ा मदद करने की सोचा, वो मदद के लिए निकला लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, वो हर गया, उसको भागना पड़ा। वे प्रभु ने स्वर्ग का ज्ञान देने के लिए 40 दिन, अभी दुनिया का मिस्रीम का ज्ञान पाने के लिए 40 साल इस्तेमाल किया, वो ज्ञान से वो सक्सेस नहीं हुआ, प्रभु का काम में नहीं आया वो ज्ञान, क्योंकि उसने एक मिस्री को एक ही मार में, अच्छा पहला टाइम बड़ा इक्वल था, एक ही मार में फिनिश कर दिया, आज समझने के लिए आसानी है ना, तो एक ही मार में खत्म कर दिया है। वो था मिस्रीम के ज्ञान का खूबी, वो खूबी लेकर के अगर इसराइल लोगों को चला था तो आधा तो मोशा का हाथ से ही मर जाता। पर तो प्रभु को मालूम है मेरे लोगों को ये व्यक्ति ये ज्ञान लेकर के जाएगा तो क्या हो, इसलिए प्रभु ने और मरुस्थल में 40 साल प्रभु ने उनको मानव ट्रेनिंग दिया, उसमें वो परिपक्व बना, तब प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। इस यात्रा जब मोशा जब किया, और अभी आपको मालूम है इस समय में एक बहुत बड़े चुनौती का बात था मोशा के जीवन में, आपको मालूम है वो चुनौती का जब समय आया था, वो समय में जो मोशे ने क्या चुना मालूम है, वो एक सही चुनौती किया है। इब्रानियों का पत्र आपको मालूम है 11:24-26 हो जाए, देखा मिस्र के भंडार से भी प्रभु के लिए दुख सहना बड़ा भंडार है। अब देखो यीशु मसीह के लिए दुख सहना मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा का कारण बनेगा करके प्रकाश आज तक मिला मसीह में आने के बाद, है ना? हमको थोड़ा सुबह ही उठने में कितना तकलीफ है ना, है आज बहुत से लोग क्यों आया नहीं, थोड़ा तकलीफ सहने के लिए तैयार नहीं, आप सोचो है? मैं एक बात आपको बताता हूँ, आज का लोग आज का उनको मसीह का लाना मतलब योग्य नहीं प्रियो, वास्तव में उसको एक विश्वासी का लाना प्रभु मतलब मसीह लोग बोलेगा तो चेला होना चाहिए, चेले का कोई भी गुण उसमें नहीं, तो क्रिस्ती कहते हुए अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक मसीह व्यक्ति हमेशा प्रभु की खातिर इतना भी कष्ट तकलीफ उड़ाने के लिए तैयार रहता है। आप सोचो अपने आप को पूछो प्रभु के लिए कितना भी तकलीफ सहने के लिए कितना लोग दिल से तैयार है? दिल से हम तैयार है क्या? कभी नहीं प्रियो, लोग हर एक प्रकार का तकलीफ से दूर भागना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का कष्ट तकलीफ लोग नहीं चाहता, कितना दुख भरा बात है प्रियो, कितना दुख भरा बात है, कोई भी निंदा नहीं चाहता। पर आप देखो इतना महान व्यक्ति अभी उसके सामने निष्ठफरवा बन करके सारे दुनिया का खुशियों को लेकर एक जीवन भर अपने मनमानी करके पूरा जो चाहता है वो सब करके
जीने के लिए उसको अवसर था, लेकिन मोशे को प्रभु का ज्ञान मिला। 40 साल प्रभु ने मरुस्थल में स्वर्गीय ज्ञान दिया। वो ज्ञान के कारण यहां पर मोशा ने एक अच्छा निर्णय लिया, मतलब प्रभु की खातिर निंदा सहना। मिस्रीम की भंडार का वो जो टोटल करेगा उससे भी बड़ा धन मुझे आनंददा में प्रभु से प्राप्त होगा। देखा प्रियो, हमेशा प्रभु में आने के बाद में मुझे आनंददा में मिलने वाला उस प्रतिफल के बारे में एक सच्चा समझ रखना, उसके अनुसार उसके योग्य जीवन बिताना। ये सब कब होगा मालूम है? जब हमारे में प्रभु का ज्ञान रहे। प्रभु का ज्ञान जब तक हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तब तक हम लोग ऐसे बातों पर निर्णय लेने में विजय नहीं होगा, है ना। तो प्रभु में आने के बाद दिन प्रतिदिन हमें प्रभु के ज्ञान में बढ़ने चाहिए। अभी भी मुझे प्रभु का ज्ञान कहां तक है करके हम अपने आप को पूछेगा तो हमारे दिल क्या गवाही देगा, है? बहुत ध्यान से देखो, दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 17-18 वचन पढ़ना। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि धर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कई हाथ में खोने न दो। देखा, मतलब ये जीवन में, मतलब अगर आप प्रभु का सच्चा ज्ञान आपके अंदर कार्य नहीं करता है, प्रभु का सच्चा भय आपके जीवन में कार्य नहीं करता है, तो दुनिया के लोगों की भ्रम में आकर के आप भग सकता है, गिर सकता है। आज ऑलरेडी गिर चुका है लोग, लेकिन वो लोग नहीं समझेगा। अपना भी सुनने वाले लोग भी सोच रहा मेरे जीवन में गिरावट तो नहीं है। वो भजन को जरा और आगे बढ़ रहा। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में, मतलब पहचान, ये मतलब अतुल पर बोला वही से मतलब भजन आया, पहचान है ना, मतलब पहचान और मतलब परिचय का ज्ञान है ना, परिचय का ज्ञान, पहचान वो एक ज्ञान है। वो मतलब उस पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को हम अनुभव करते हुए प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में हम कहां तक बढ़ पाया, हमें बढ़ना है प्रभु के उस मतलब ज्ञान में, हमें बढ़ना है। जो व्यक्ति प्रभु के ज्ञान में बढ़ता है वही व्यक्ति प्रभु का वास्तव में उपयोग में आएगा, प्रभु वो व्यक्ति को ही इस्तेमाल कर पाएगा। जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं तो उसको कौन इस्तेमाल करेगा, है? कोई बुद्ध लोगों को इस्तेमाल करता है क्या? नहीं, ज्ञानी होंगे इस्तेमाल करता। तो इसका मानो क्या है कि हमारे जीवन में मैं प्रभु में आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह के उस ज्ञान में, अभी मैंने वापस एक बार पढ़ना उसका 18 वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अभी भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। देखिए, जिस व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह का इस ज्ञान का बढ़ोतरी रहेगा, वो व्यक्ति के द्वारा हमेशा प्रभु का महिमा होगा। आज हमें अपने आप को परखना है, मेरे जीवन में मैं प्रभु का उस ज्ञान में कहां तक मैं बैठ पा रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह को कहां तक जान पाता है। क्योंकि एक व्यक्ति आज छोटी छोटी बातों में लोग दुखी निराश क्यों होता है, प्रभु के लिए खड़ा क्यों नहीं होता, या नहीं? अकुमार में जब दानियल 11 अध्याय का 32 वचन का भी पाठ में एक अच्छा चेतावनी है, दानियल उसका 11 अध्याय उसका 32 वचन का भी पाठ। क्या करेगा है? जो परमेश्वर का ज्ञान रखेगा, देखा कितनी बड़ी बात है, सबको समझ में आ रहा? जिसको सचमुच में जो परमेश्वर का ज्ञान मिला वो यहां बांध करके प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करेगा। हाँ, आज प्रभु के लिए बड़े बड़े काम हमारे जीवन से हो रहा है क्या? अपने आपको पूछो। अब ये वचन पढ़ने के समय में वो बड़े बड़े काम करने का मौका सबको प्रभु देता है, लेकिन सब करता नहीं, सब करता नहीं। प्रभु के खातिर बड़े बड़े काम करने के लिए कब होगा? जब प्रभु का ज्ञान देखे तो, प्रभु का ज्ञान देखे तो।
आज कहां तक प्रभु का ज्ञान में मैं बढ़ गया, प्रभु के खातिर में कुछ कार्य कर पा रहे क्या। आज भी लोग प्रभु का कामों में क्यों नहीं बढ़ता है, बहुत दुखदायी बात है। कोई इतना सुंदर मौका मिलने के बाद, इतना अवसर मिलने के बाद में अगमन में प्रभु का ज्ञान आगे बढ़ने वाला एक सबसे मन मुख्य स्थान प्रभु का उपस्थिति है, बाइबल से लिए प्रभु के वचन के द्वारा है। लेकिन वो समय मानव पवित्र लोग सही में इस्तेमाल नहीं करता। प्रभु का ज्ञान हमें देने वाला सबसे बड़ा माध्यम प्रभु का वचन का ध्यान या वचन का सिखलाई, इसमें ही हम प्रभु का वचन को मानव प्रभु का ज्ञान को ज्यादा प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने आप को प्रकट करने वाला बात वचन है, उस वचन का प्रकाश हमें मिलने वाला स्थान मंडली है। आज लोग नष्ट होने का गिरने का मेन कारण होशिया में लिखा है, होशिया उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन, होशिया 4 अध्याय का 6 वचन। देखा, मेरे ज्ञान ना होने के कारण, देखा प्रभु का ज्ञान ना होने के कारण प्रभु का प्रजा प्रभु के लोग नष्ट होता है, नष्ट होता है। देखो इसका मतलब प्रभु का ज्ञान का रही होकर जीवन बिताना कितना बड़ा नुकसान की बात है। प्रियो वही बात को दूसरा प्रकार एक इशारा देने वाले एक बात यीशु मसीह ने कहा है, जब मत्ती के सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 29 वचन, मत्ती चैप्टर 22 वर्स 29। दिया तो पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े। देखा कितना गहरा बात है प्रियो, तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानता। प्रियो पवित्र शास्त्र को जानना कितना गौरव की बात है, क्योंकि पवित्र शास्त्र किसका प्रकाश देता, यीशु मसीह का। सारे पवित्र शास्त्र किसका बारे में बोलता, प्रभु यीशु मसीह का। मानो यीशु मसीह का सच्चा प्रकाश हमें वचन के द्वारा मिलेगा, हमें प्रभु का सच्चा ज्ञान रखना। प्रियो सच्चा ज्ञान लेना, सेम प्रकार का ज्ञान, ऐसे नहीं है तो नाश होने वाला खतरा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति संगति को लापरवाही करता है, वो व्यक्ति आप एक्चुअली मतलब अपना आत्मीय जीवन में गिरावट का कारण बनाता है। इसलिए संगति कितना महत्वपूर्ण है। अभी आज आप लोग आया इसलिए आपको ये क्लास सुनने के लिए मौका मिला, आपको जरूर कुछ बड़ा प्रकाश प्रभु देगा। अभी वो प्रकाश आत्मा में लेकर के प्राप्त करके उसको अमल में लाना अपना कर्तव्य है। आनंद काल में हमें बहुत बड़ा प्रयोजन में आएगा। जब इसराइल लोगों का बार बार उनका भी अनुभव ऐसे था ना, जब एशिया नबी की 5 अध्याय उसका 13 वचन का शुरुआत पड़ा, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। देखा अज्ञानता के कारण, मतलब जिस प्रकार प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त न करने कारण मेरा प्रजा बिंदुवाई में जाता है, बूढ़ा बनते जा रहा है। आप देखो प्रियो प्रभु को दुख है कि नहीं है, प्रभु को बहुत दुख है। प्रभु ने प्रभु के लोगों के लिए इतना अच्छा प्रबंध किया, लेकिन तभी भी ना हो सकता है उनको कई प्रकार का वजन को उन्होंने गलत सोचा होगा, इसलिए वो इस प्रकार का भूल में बढ़ जाता है। क्योंकि अभी ठीक है भाई, उधार हो गया ना, बस बहुत हो गया है, बाकी जितना भी है अपन घर में बैठे बैठे पढ़ाई वगैरह करेंगे, बस हो गया है, नरक से तो बच गया ना, बस बहुत असली। ऐसा होने के लिए प्रभु ने बुलाया नहीं प्रियो, और प्रभु का लक्ष्य से आप अपनी बुद्धि और अपनी समझ के सहारा लेकर भयंकर धोखे में पड़ गया, भयंकर धोखे में। आज बहुत लोग आपको मालूम है उनको वो अपने ऐसे लोग बहुत अपने आप को बहुत होशियार समझता है और उल्टा पूछता है कि आगे ना प्रार्थना करेगा तो नहीं सुनेगा। हाँ अब उनको क्या समझो, मतलब उनकी समझ, इसलिए वचन में लिखा है ना जो अपना सब जब
कोई एशिया में ना 47 का चैन नहीं शायद, मतलब थोड़ा बड़ा एशिया 47 का चैन, वो वास्तव में कितना भयंकर वजन है वो। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता, तेरी बुद्धि और तेरा ज्ञान ने तुझे बहकाया। देखा, तेरी बुद्धि और तेरी ज्ञान ने तुझे बहकाया। हाँ, तेरी बुद्धि और तेरी ज्ञान ने तुझे बहकाया, है ना। ऐसा सवाल करने वालों को अपन को जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो लोग वजन को पूर्ण रूप में काट रहे हैं, कुल्लिया है, और वो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मतलब शो करना चाहता है। एक कपट भक्तों का एक चिन्ह है, एक सच्चा भक्त संगति से दूर रहने का मतलब शरीर से अलग रहना, शरीर से एक अवयव अलग रहेगा तो क्या होगा वो अवयव का, इतना भी समझने के लिए उनको अकल नहीं, इससे बड़े तो क्या बोलू। हाथ कट गया उसके एक लिमिट टाइम के अंदर है तो ज्वाइन भी कर सकता है, पर कुछ समय पार हो गया तो ज्वाइन नहीं होता। आप देखो प्रभु के लोग, प्रभु ने अपनी मतलब मंडली में जोड़ा है और मंडली जीवन के अर्थ लोगों को नहीं माने, कितना बड़ा दुख वाला बात है। इसलिए प्रभु में आने के बाद में अपने समझ के सहारा लेकर के अपने आप को बुद्धिमान कर करके चलता है, वो व्यक्ति भयंकर धोखा है, वो व्यक्ति एकदम विश्वास में गिर जाएगा, वो व्यक्ति प्रभु में बिना नहीं ले पाएगा। क्योंकि आपको मालूम है जब पौलुस तिमोथियुस को लेने के टाइम वो बात बोलता है, पर तिमोथियुस 6 अध्याय उसका 20-21 वचन, कितने ही ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। हाँ, विश्वास से भटक गया है वो, विश्वास से दूर हो गया है। तुम पर अनुग्रह होता है। देखो प्रभु का अनुग्रह तुम पर है, परंतु तुम ऐसा लोगों के समान ना बनना। कोई भी व्यक्ति, मुझे भी बाइबल पढ़ना आता है, मैं खुद पढ़ करके जान सकता हूं, मैं खुद सिद्ध बन जाएगा, ये सब विचार भावना ये सब वजन के किला में पियो, ये प्रभु ने रखा हुआ मार्ग नहीं। पर जो कई बार, और ये बात ऐसे कहने वाला घर में बैठ के वजन भी नहीं पड़ता, ये सब कहने में रह गया, ये सब वोटों में रह गया, उनके जीवन में थोड़ा भी मतलब प्रभु नहीं दिखता। प्रियो इस दीदी में धोखा खाना, क्योंकि प्रभु ने ही ये दुनिया का ज्ञान क्या किया मालूम है, अलग कुरिंद में एक सुंदर ऐसे शब्द लिखा है, मैं पहले कहा था आप पढ़ाई मत करो, आपका पढ़ना कोई करा भाई वो अर्थ में नहीं प्रियो, पढ़ने चाहिए अब जितना एजुकेशन ले सकता है लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, प्रभु का काम में आएगा। पर दूसरा प्रकार है तो प्रभु की बातों को वजन को तुच्छ करने वाला अनुभव में आएगा तो धोखा खाएगा, क्योंकि आपने कितना भी डिग्री लिया डिग्री लेकर के स्वर्ग में नहीं जाएगा, आप ये वजन को मान करके कैसे जिया उसके अनुसार है वहां। प्रभु के वजन का महत्व है प्रियो, है ना। जब पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका पहला अध्याय में 19-20 वचन, मैं ज्ञान वालों का ज्ञान को नष्ट करूंगा, समझदारों का समझ में तुच्छ करूंगा, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। देखा, संसार का ज्ञान को प्रभु ने मूर्खता ठहराया। आप देखो दुनिया की बहुत से अच्छा अच्छा ज्ञान पाया हुआ है ना, कई ऐसे लोगों के साथ मिला, पर जो प्रभु ने वास्तव में उनका वो ज्ञान को मूर्खता किया। इसलिए लोग क्या करता है मालूम है, मतलब जाति के लोगों का आजन में भी जाकर के मूर्ति के सामने दंडवत करता है। हमारे परिवार में एक साइंटिस्ट है, वो इतना मतलब ज्ञान पाया है, लेकिन वो अभी क्या करता मालूम है, माला डाल करके दाढ़ी बढ़ा करके सन्यासी करता है। देखो प्रभु ने उसका ज्ञान को मूर्खता ठहराया। एक बार मैं उनके साथ बात करने का मुझे एक मौका मिला था, मेरा दाढ़ी के मृत्यु के समय में
बाप रे, वजन का बारे में उसको ये भी सुनी नहीं मालूम, उसने बाइबल एक्चुअली ऐसे तो पढ़ेगा तो भी समझेगा नहीं, है बाइबल का थोड़ा भी जानकारी नहीं, एक क्रिस्ती होते हुए मतलब अपना रोमन कैथोलिक था, है मेरा मानो पिताजी का बहन का बेटे का बेटा, एक प्रकार मेरा बेटे के समान है लेकिन वो मेरे से बड़ा है तो बहुत बड़ी बात है, तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें जानना, और हमने ये सच्चाई को अगर नहीं जानेगा, सच्चाई को नहीं मानेगा, प्रभु कहता है कि मैंने दुनिया का ज्ञान को मूर्खता ठहराया, उसका तीन का कोई पहला कुरिन्थी उसका तीसरा अध्याय उसका 19-20 वचन पढ़ता, देखो ये संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट में मूर्खता है। देखो अभी आप मतलब संसार का ज्ञान दे करके प्रभु का ज्ञान को भी अपने साथ रह करके प्रभु का महिमा के लिए वो ज्ञान इस्तेमाल कर सकता, आप बहुत बड़ा प्रभु के इस्तेमाल में आएगा, बहुत बड़ी बात है। परंतु सिर्फ आप संसार का ज्ञान रखा और प्रभु का ज्ञान नहीं रखा तो आप प्रभु के सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आगे पढ़ना, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, ये ज्ञानवान लोगों का दिल में उनको लगता है मानो मैं ही ज्ञानवान है, मैं सब जान रहा हूँ। उसका एक अच्छा बताने वाला एक शब्द है यिर्मयाह में, यिर्मयाह नबी की किताब वो भी मिला कर पढ़ेगा तो बहुत सुंदर थी, वो बात को समझ सकता है। उसका 8 अध्याय 9 वचन, देखा उन्होंने मैं बहुत बुद्धिमान है समझदार है, मुझे प्रभु का वचन का कोई जरूरत नहीं, प्रभु का जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है। ये इतना बड़ा धोखा का आपको मालूम है ना, ये बिल्ली दूध पीता है तो कैसे पीता, आंख बंद करके, मतलब उसका विचार क्या है, कोई नहीं, जब लाठी पड़ता है तो मालूम पड़ता है, जब लाठी पड़ता है तब मालूम पड़ता है, अरे मैं तो गड़बड़ किया, मैं सोचा कोई नहीं देख रहा है, पर जो देखा मार भी मिला। बहुत लोग जान पूछ कर प्रभु का वचन का कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन मुझे सब मालूम है, ऐसे आप गांव मतलब घर घर जाते ऐसे बहुत लोग बोलते ना हमको, मतलब सब धर्म एक ही है, सब धर्म में कौन सा धर्म के बारे में उसको मालूम, बड़ी बात हम धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलता, हम एक पिति के बारे में बोलता, वो प्रभु यीशु मसीह है। आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं क्या है, वो पूछेगा तो नहीं है, आप बताओ, अभी उनका कहने के अनुसार उनके पीछे हम कभी नहीं जाना, क्योंकि जिसने यीशु मसीह को नहीं जाना वो मार्ग नरक में पहुंचेगा, क्योंकि यीशु मसीह को जानेगा तो यीशु मसीह को मानेगा, यीशु मसीह को जानने वाला यीशु मसीह को मानेगा। अभी हमारा ये जो बाइबल परिभाषा करने के लिए एक मेनोन बोलेगा तो हिंदुओं में एक बड़ा ज्यादा है, मेनोन पंडित जी से भी ऊपर मेनोन, तो वो मतलब बहुत विद्वान था, इसलिए उनको भी मतलब परिभाषा के लिए अच्छा एजुकेटेड था, लिया था शुरुआत का चरित्र में लिखा है। वो मेनोन जब ये परिभाषा करते करते जब पड़ोसियों का पत्री तीसरा अध्याय मतलब 12 अध्याय 16 वचन में आया, उधरी कुटने देगा उसे, उन्होंने बोला कि ये वचन जो मतलब अभी बहुत बातें उसको परिभाषा करने में बहुत तकलीफ आया, लेकिन ये वचन भी आया, उन्होंने कुटने देगा और यीशु मसीह को दिल दिया, वो एक सच्चा मसीह बना। पड़ोसियों बना दिया का स्वर्ण वजन क्या है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी की देह सृजी गई है। प्रियो ये एक बात जानना, जब
मैंने उन्हें ये बात जब पढ़ा, अरे मैं भी उसके द्वारा बना हुआ है, तो फिर मैं अभी आगे को, फिर मैं अभी तक की जो मूर्ति पूजा करता था अभी आयता नहीं करूंगा। वहां पर उन्होंने, अभी देखो वहां पर उस शब्द में प्रभु ने प्रभु की आत्मा उस में खाएगी और वो एक मसीह के लिए जीवन मिला है। बहुत बड़ी बात है। इस वचन का तर्क वजन करने के लिए कई लोगों ने वचन पढ़ा, वो लोग बदल गया है। एक बहुत बड़ा एक नास्तिक व्यक्ति, वो इस वजन गलत तय करके मैं स्थापना करूंगा बोल करके इसराइल में जाकर के वजन के अनुसार वहां पर दुनिया की स्टडी किया, वो लोग मसीह, वो व्यक्ति मसीह बन करके आया। उसका बोला ये वचन में जो लिखा सत्य लिखा है, और उसने एक किताब लिखा, मैं व्यक्ति का नाम भूल गया, तो मैं लेकर रखा है। तो मैं एक बात आपको चाहता हूं, इस वचन को शायद हम लोग पढ़ने से बढ़ करके नास्तिक के लोग जानने के लिए पढ़ते हैं, और उनमें बहुत लोगों के जीवन में प्रभु बदलाव रहता है, जीवन को बदल देता है। ये वचन में कितना बड़ा सामर्थ्य है, बहुत बड़ा सामर्थ्य। आप किसी को बोला आप एक बार थोड़ा प्लीज ये वचन को थोड़ा पढ़ो, पढ़ने के टाइम पर प्रभु बात करेगा। ये वचन सच्चा जीवित वचन है, वो हमसे बात करता है और हमारे जीवन को बदलता है। प्रियो परंतु दुनिया का ज्ञानी ये वजन से दूर रहता है, ये वजन पढ़ता नहीं, वो वजन को लेता नहीं। ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए भी ठोकर है, और वो क्या बोलता है, मैंने कई बार ऐसे लोगों को बोला हमने बाइबल भी पढ़ा, वो क्या है कोई पर्ची पढ़ा, किसने दिया एक ट्रैक्टर पढ़ा, उसको बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैं एक बार एक व्यक्ति को बहुत पढ़ा ये है, मैंने उनको पूछा आपने बाइबल पढ़ा, आपको मालूम है बाइबल में कितने किताब है, मालूम नहीं, यीशु मसीह कौन है, उत्तर नहीं, क्या बाइबल पढ़ा। बोलने का अर्थ क्या है ना, लोग कई प्रकार अपना एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। प्रियो प्रभु में जीवन बिताने का अर्थ कितना गहरा है। आज भी कई मसीह लोग मतलब मसीह में है, उधार पाया है, पर उनको पूछो आज आप मर गया तो कहां जाएगा, तो डरता है, वो अपना मृत्यु के बारे में बोलने के लिए डरता है। आप किसी को डर है, आप दूसरे की मृत्यु के बारे में सुनता है, अपना ही मृत्यु के बारे में बोलेगा आपको डर लगेंगे। यीशु मसीह का ज्ञान, प्रियो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान, पौलुस बोलता है हम शरीर से विदा होकर के प्रभु के साथ रहना हमेशा चाहता है, मतलब मरना चाहता है, लेकिन तुम्हारे लिए दुनिया में रह करके तुम्हारा फायदा है तो ठीक है, तकलीफ सहने के लिए तैयार। तो ये दुनिया में कितना दिन बिताएगा, कई प्रकार का तकलीफ में होकर गुजरना पड़ता, लेकिन प्रभु के खातिर ओके ले ओके, कितनी बड़ी बात है प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना। प्रियो एक बात जानना, आप यहां पर जो सुन रहे हैं, आपको आपको है ना, आपको सुस्ती आता है, नींद आता है, आप जानना शैतान आपके साथ भयंकर लड़ाई में लगा हुआ है। आपका ध्यान इधर उधर करने के लिए, आप ये सत्य वजन को ग्रहण ना करने के लिए, आप प्रभु का सच्चा ज्ञान प्राप्त ना करने के लिए, वो कई रीति में लड़ते रहेगा, मंदा रहेगा आप सही प्रकार, क्योंकि इस ज्ञान प्राप्त करते बिना आप प्रभु के लिए ज्यादा उपयोग होगा ही नहीं। प्रभु की उपस्थिति में हम लोग क्या देता है, हम प्रभु क्या उस ज्ञान को दे रहे हैं, उस ज्ञान। जब रोमियो का पत्री में पौलुस कहता है, रोमियो उसका दूसरा अध्याय उसका 6-8, रोमियो दूसरा अध्याय का 6-8, मैंने कौन सा वचन बोला, मेरे से थोड़ा बड़ा गलती हुआ, मैं कभी कभी वो किताबी गलत बोल देता है, पहला कुरिंदी उसका दूसरा अध्याय 6-8 वचन, फिर भी मसल लोग हमें ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाथी
देखो हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। किसी ने नहीं जाना, ये संसार के हाकिमों ने उस ज्ञान को नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जानना कितना बड़ा खतरा हुआ। क्या हुआ? क्योंकि यदि वे जानते, यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। देखा है प्रियो, सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, आज जब हम इकट्ठा हुआ है, हमें जो मिलता है वो कौन सा है? स्वर्ग का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। हम यहां पर कुछ दुनिया का कुछ ऐसा बात प्राप्त करने के लिए नहीं आया, हमें स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया, जो कहीं भी नहीं मिलता है ना, कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, दुनिया का कोई भी रिसर्च सेंटर में नहीं मिलता। वो बात प्राप्त करने के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में आया, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ा ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है। वो ज्ञान कहां मिलेगा? प्रभु की उपस्थिति में, मंडली के द्वारा मिलेगा। मंडली हर प्रकार स्वर्गीय ज्ञान में आगे बढ़कर के आनंद राज में प्रभु के संग मारे राज करना, ये प्रभु की इच्छा है। इसके लिए ये ज्ञान प्रभु अपने लोगों को देता है, उसके लिए मंडली जीवन का। जब एफेसियों के पत्र में क्या लिखा? एफेसियों 4 अध्याय उसके 11-13, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिसे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब बिना विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में। देखा, परमेश्वर की पुत्र की पहचान कोई हो गया, परमेश्वर के पुत्र की उस पहचान में एक ना हो जाए, एक ना हो जाए। देखो आज भी है ना, बहुत पवित्र लोग है ना, मानव एक मन नहीं रखता, मतलब क्या है ना, उसमें सच्चा स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। ये जो स्वर्गीय ज्ञान ना मन रखने वाला लोग ही सबको प्यार कर सकता है, एक मन देख सकता है, बहुत अद्भुत बात है। प्रियो मंडली जीवन में प्रवेश करने के बाद मंडली में ये शिक्षण, ये बात देने के लिए प्रभु ने प्रबंध किया, इसलिए मंडली जीवन का गौरव है। हरेक पवित्र लोग ये बात को जानना प्रियो, वहां पर हमारा मसीहत का उन्नति है, बढ़ोतरी है। परंतु हम व्यर्थ बातों में जाएगा, मतलब झूठे लोग उनके बीच में जाएगा, वे लोग व्यर्थ बात कहेगा, हमें बहका सकता है, नष्ट कर सकता है। मंडली जीवन का गौरव पवित्र लोग बहुत लोग नहीं समझता, संगति का महत्व बहुत लोगों को उसका गौरव मालूम नहीं। हर रोज संगति में प्रभु हमें स्वर्ग का ज्ञान दे करके, मसीह की ज्ञान दे करके, हमें अनंत काल का लाभ की बातों में दर्शन बढ़ाने का कार्य करता है। बहुत बड़ी बात है। और जो बाकी लोग क्या करेगा, कैसा काम करेगा? जब एफेसियों 4 अध्याय उसका 17-19 पढ़ना। अन्य जाति लोग कैसे चलता? मन की अनर्थ रीति में, मन की अनर्थ रीति में चलता है। उनका बुद्धि अंधेरा हो गया, उनका बुद्धि अंधेरा हो गया, और उस अज्ञानता के कारण, उस अज्ञानता, देखा उनके पास ज्ञान नहीं, उनके पास ज्ञान नहीं, ओरिजिनल ज्ञान, सच्चा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, वो परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण, देखा इसका मतलब क्या है कि ये जो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो उनका मन कठोर रहेगा, क्योंकि वो पाप में जीता, पाप मन को कठोर कर देता, उसके कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। देखा, जब परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर का जीवन भी वहां पर नहीं, तो बड़ी बात है। वे लोग परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए, लुचपन में लेके आते। तो अभी उनका जीवन वो आत्मिक कहता है, पर जो वो लुचपन में लेके हुए हैं, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे, पर तुम में मसीह बस बस बस
देखा, इसका मतलब क्या है कि उन लोगों के जीवन में एक सच्चा पवित्र जीवन, आदर्शमय जीवन, एक गवाही के जीवन नहीं। देखा क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्होंने उस सच्चा वजन को उन्होंने त्याग दिया, प्रभु के जीवन का मार्ग को त्याग दिया। इसलिए उनके जीवन में प्रभु ने क्या किया, जब रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 28 वचन, ये सब बहुत जब उन्होंने परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर को पहचाना न चाहा। हाँ देखा, अभी उनका दिल में क्या नहीं, क्योंकि वो खुद को परमेश्वर समझता है, खुद को ज्ञानी समझता है, खुद को बड़ा समझता है। देखा बड़ा ही पर घमंड। देखा प्रभु ने उनका निगम में मन में छोड़ दिया, देखा वो जो भी करता है परमेश्वर के वचन के सामने बिल्कुल वो अनिश्चित काम करता है, अयोग्य काम करता है। कितना भयंकर बात है ना, जब 78 वचन संहिता से भी एक तो वचन पढ़ना, 78 वचन संहिता का उसका 78 वचन संहिता का 36-37 तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उसे झूठ बोले क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था। देखा उनका हृदय प्रभु की ओर दृढ़ नहीं था, वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। देखा प्रभु की वचन में उन्होंने सच्चे नहीं था। प्रियो इतना गंभीर बात है, हमारे जीवन में प्रभु के साथ का हमारा नाता ऐसा ही। आज लोग वचन सुनता है पर जो भी काम करता है उसका उल्टा काम करता। मंडली में भी है ना, आप देखना जो सच में प्रभु में बढ़ने वाला व्यक्ति मंडली के लिए बड़ा आशीष है, पर जो सही प्रकार नहीं बढ़ता ना वो मंडली के लिए एक जरूरत है, वो समस्या लाएगा, वो बाधा लाएगा। क्योंकि उनमें काम करने वाला जो ज्ञान जो है वो स्वर्ग का ज्ञान नहीं, वो खुद का ज्ञान है, वो अपनी सोच समझ के अनुसार चलता है। इसलिए याकूब वहां पर वो एक एक बातों में कितना स्पष्टता है। प्रियो है ना, याकूब तीसरा अध्याय है उसका 14-16 वचन पढ़ता, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी दाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना, यह ज्ञान वह नहीं, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। जहाँ पर डाह और विरोध होता है और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखा प्रयोग, इसलिए प्रयोग इतना सच बात है ना। मैं एक बात आपको बताता हूँ, प्रभु में आने के बाद ये सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर वो व्यक्ति कभी भी एक समस्या नहीं बनेगा, कभी भी समस्या नहीं बनेगा। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति वो हमेशा अपने आप को नम्र वर्धित करेगा, क्योंकि स्वर्ग ज्ञान उसको नम्र बनाता है और रोज नम्र बनते जाएगा। वो कितना भी अपन मानव उसको तकलीफ भी देगा तो वो समस्या नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात है, आज हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में हम समस्या खड़ा करता है तो अभी तक हमने जो स्वर्ग ज्ञान पाना चाहिए वो पाया, उसको एक प्रगति चिन्ह नहीं। अभी क्या है ज्ञान, क्या है ज्ञान, ये तो जानना जरूरी बात है ना। वो ज्ञान यीशु मसीह है, ये जो स्वर्ग का ज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान बोलेगा तो वो एक वस्तु नहीं, वो एक व्यक्ति है ना, वो एक व्यक्ति है ना। जब पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 24 वचन, देखा मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और मसीह परमेश्वर का ज्ञान है, मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। उसका 30 वचन, क्योंकि परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। बस हमारे लिए ज्ञान कौन ठहरा, यीशु मसीह, यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा। यीशु मसीह के खूबी क्या आपको मालूम है, जब कोलोसियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय का 2-3 वचन, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में डटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान दे जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए।
देखा मतलब एक प्रकार बोलेगा तो परमेश्वर का सारा भंडार ज्ञान का भंडार कहां पर है? मसीह में है, मसीह में। इसलिए प्रियो हमारे जीवन में सचमुच में हमने कहां तक मसीह को जाना, मसीह को प्राप्त किया, उतना हमारा ज्ञान बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया। अभी उसका एक चिन्ह के रूप में ये ज्ञान आया हुआ व्यक्ति का एक चिन्ह के रूप में एक तो बात बोल करके मैं यहां पर समाप्त करूंगा आज का क्लास। मतलब जब मीका नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ो। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। देखा ये जो सच्चा जो ज्ञान वो क्या है? तेरे नाम का प्रभु का भय मानना। तो आज लोगों को आया हुआ खो गया हुआ बात क्या है? प्रभु का भय मानना। प्रभु का भय मानना लोगों ने छोड़ दिया, प्रभु का भय नहीं। कितने लोग बोल सकते हैं मुझे प्रभु का भय है करके? भैया सच में परखो मुझे प्रभु का भय है क्या? प्रभु का भय मानते बिना हमारा भक्ति व्यर्थ है। प्रभु का भय मानना वो बात ईयूब भी बोलते हैं। ईयूब 28 अध्याय का 28 वचन पढ़ना। ईयूब 28 अध्याय का 28 वचन। तब प्रभु ने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना ही यही बुद्धि है। देखा प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। देखो अरे सच्चा ज्ञान का बात तो यहाँ पर ईयूब बोलता है, प्रभु का भय मानना और अनेक बुराई से दूर रहना। देखो प्रभु का भय मानने वाला और बुराई से दूर रह गई, और बुराई से दूर रह गई। क्या प्रियो हम आज प्रभु का भय मानते हैं क्या? इसलिए आपको मालूम है ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं बच्चों को हमेशा बोले वाला एक बात है नीति वचन का किताब, हमें स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ाने वाला एक सुंदर किताब है। हर दिन एक एक चैप्टर में पढ़ेगा ना, सही रीति में पढ़ने वाला बच्चों में बहुत फर्क आएगा। उसका शुरुआत में बोलने वाला एक शब्द है मतलब निधि वजन उसका 12 अध्याय का 7 वचन, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा का मूल ही मतलब प्रभु का भय मानना ही ज्ञान का आरंभ है, ज्ञान का आरंभ है। और एक वचन उसमें से पढ़ बहुत बात है लेकिन टाइम को देख करके रुकता है उसका 9 का छोड़ना। निधि वचन में ही यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। देखो बहुत बार बार बोल करके बोलने वाले बात है प्रभु का भय मानना। आज हमें प्रभु का भय है क्या है? आप सोचो प्रियो पर आज हमारा आखिरी दिन रहेगा, कहीं अचानक हम मृत्यु के बिस्तरे में आए क्या आपको उस समय में डर छाया जाएगा या आप आनंद से उड़ी मारेगा क्या रहेगा है? ओ मैं जल्दी से मेरा प्रभु को मिलेगा ऐसा खुशी राज करेंगे, अरे मैं भी मरेगा कहा जाएगा ऐसे कोई बात रहेगा क्या? सच में अगर प्रभु का ज्ञान है तो वो व्यक्ति को बहुत आनंद है। अभी वो सूली पर मरने वाले व्यक्ति उसमें से दोनों नहीं एक व्यक्ति जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया वो क्या बोलेगा? तुम घुटना तोड़ो कुछ भी तोड़ो जल्दी तोड़ो क्योंकि मुझे अभी प्रभु के पास जाना है क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे वचन दिया आज तू मेरे साथ। देखो कितने बड़ी बात है सेवानों से बोलता है छोटा पत्र मत मारो बड़ा पत्र मारो वो क्योंकि मैं यीशु मसीह को देखता हूँ, मेरे लिए यीशु मसीह खड़ा है मुझे जल्दी जाना है। प्रेस रहो कितने बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज अगर हमारे जिंदगी का आखिरी दिन है तो आखिरी वक्त है तो क्या हम बहुत आनंद के साथ वो मृत्यु को स्वाद करेंगे? मृत्यु भक्तों के लिए सिर्फ एक द्वार है प्रियो आनंद का द्वार, उस आनंद में प्रवेश करने का द्वार है। तो हमें आज का दिन में अगर मृत्यु भी आए तो है ना स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ लोग जो स्वर्गीय ज्ञान बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह को पाया हुआ लोग यीशु मसीह में जीने वाले लोग उसको कभी भी थोड़ा भी डर नहीं आएगा, वो कोई दूसरा चिंता उसको नहीं सताएगा, बहुत आनंद से पार हो जाएगा। प्रभु धन्यवाद प्रभु प्रियो
इसलिए मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह बोलता है जीवन का मार्ग वो सक्रिय मार्ग है, जीवन का मार्ग, वो मार्ग में चलने के लिए हमें स्वर्ग का ज्ञान चाहिए। स्वर्ग के ज्ञान हमें इस जीवन के मार्ग में चलने के लिए अगुवाई करते हैं। और बहुत गहरी बातें हैं, और भी ये बात खत्म नहीं हुआ, मैं आपको इसका बाकी कल प्रभु का आगमन दे रही हुआ तो कल सवेरे पूरा डिटेल से पूरा बहुत ही जो प्रभु ने इसका ऊपर जो प्रकाश दिया था उसका गहरी बातें सब कल प्रकट करूंगा। प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो प्रभु आप सबको बहुत ये वचनों के द्वारा आशीष दे, और अपने जीवन को परखे। मैं आज तक मैं उस स्वर्गीय ज्ञान में कहां तक बढ़ पाया, वो स्वर्गीय ज्ञान में मैं कहां तक प्रभु का महिमा कर पाया, ये बात मुझे प्रभु ने चुनौती मिला है, बुलाहट मिला है। आज मैं एक सच्चा भक्त बन करके जीवन बिता रहे कि नहीं, अपने आप को पेश करना। सुना वो वजन जरूर, प्रभु हम थोड़ा फास्ट गया, लेकिन घर में जा करके और उस पर मनन करना, और भी सच्चा निर्णय लेकर के प्रभु में बढ़ने के लिए और इस ज्ञान में बढ़ने के लिए और प्रभु को प्रकट करते हुए जीवन बिताने के लिए, तो सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।